खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवाड़ी। पेश है आज की हेडलाइंस। सुखदेव गोगामेड़ी हत्या प्रकरण में अलवर रहा बंद, वहीं कृषि मंडी में डंडे लेकर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने फेंके तिरपाल, पुलिस ने हटाया। अलवर बंद के चलते रहे कड़े सुरक्षा इंतजाम, कलेक्टर और एसपी ने लिया जायजा। साइबर ठगों ने खाली ड्रम बेचने के नाम पर ऐंठी हजारों की रकम, एनईबी के परिवादी ने दर्ज करवाई रिपोर्ट। और प्रदेश के सीएम को लेकर कायम रहा सस्पेंस, वहीं भाजपा के कुछ विधायकों की बाड़ेबंदी को लेकर रही चर्चाएं। और अब खबरें विस्तार से। श्री राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या को लेकर संगठन के पदाधिकारियों और राजपूत समाज का गुस्सा उबाल पर है। इसे लेकर गुरुवार को अलवर बंद रहा, वहीं प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। श्री राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड को लेकर गुरुवार को अलवर पूर्णतः बंद रहा। होप सर्कस, बजाजा बाजार, घंटाघर, तिलक मार्केट और अन्य प्रमुख बाजारों में दुकानें बंद रही। इसके अलावा बाहरी इलाकों की दुकानें भी नहीं खुली। वहीं राजपूत समाज और सर्व समाज सहित व्यापारियों द्वारा अलवर बंद शांतिपूर्ण रहा। बंद आह्वान के चलते राजपूत समाज, करणी सेना और सर्व समाज के सैकड़ों लोग गुरुवार सुबह परशुराम सर्किल पर एकत्र हुए। उसके बाद नारे लगाते हुए उप सर्कस पहुंचे, जहां सर्व समाज के लोगों की बैठक हुई। इसके बाद 10 से अधिक टीम पूरे शहर में निकल गई। कुछ टीम बाइक पर तो कुछ पैदल निकली। कई प्रतिष्ठान खुले मिले, जिन्हें बंद करवाया गया। उधर अनेक जगहों पर युवाओं ने गुस्सा भी जाहिर किया। इस दौरान पुलिस का जाप्ता मौजूद रहा। उधर करणी सेना अलवर के संरक्षक सूरज भान सिंह गोड़ ने बताया कि गोगामेड़ी परिवार को सुरक्षा सहित गोली मारने वालों का एनकाउंटर करने की मांग की जा रही है। आज का ये जो अलवर बंद रखा गया है, अग्नि सेना की तरफ से ही नहीं, सर्व समाज की तरफ से रखा गया है, क्योंकि गोगामेड़ी से लाजपतों के सरदार नहीं थे, सर्व समाज के नेता थे, और सर्व समाज ने अपने हित के लिए और समाज के लिए आज का ये अलवर बंद रखा है, जिसमें आज हमारे पास अभी तक हजारों युवा जुड़ चुके हैं, हमारे सभी व्यापारी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज का ये अलवर बंद पूर्णतया सफल रहेगा, और जो हमारी मांगे हैं गोगामेड़ी के परिवार को सुरक्षा देने की, और जो हमारे नेता गण हैं जो मांगे रखे हैं, उन सब के लिए हम आज का अलवर बंद कर रहे हैं। गोगामेड़ी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष से करणी सेना के एक उभरते व्यक्ति थे, उनके हत्या के उसमें पूरा राजस्थान आंदोलित है, अलवर शहर की अलवर जिले का भी उसमें एक ऐसा योगदान है। करणी सेना नहीं, पूरी सर्व समाज और सब लोग ये चाहते हैं कि आइंदा ऐसी घटना न घटे। उधर राजपूत समाज से जुड़े प्रेम सिंह राजावत ने बताया कि गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में अलवर शहर बंद है। सबकी एक ही मांग है कि हत्यारों का एनकाउंटर हो। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की कुछ हत्यारों ने निर्मम हत्या कर दी, उसको लेकर के पूरे देश भर में विरोध है। आज उसी विषय को लेकर के पूरे राजस्थान के बंद के दौरान आज अलवर शहर में जो कल जिले बच गए थे राजस्थान के, आज वो जिले बंद का आह्वान है। करणी सेना सर्व समाज को साथ लेकर के इस आंदोलन में उतरी है, और करणी सर्व समाज की एक ही मांग है कि उन हत्यारों का एनकाउंटर हो, फांसी की सजा हो, और एक ऐसा कानून बने कि वो हत्यारों को तो सजा मिले ही मिले, पर जो हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले अपराधी, जो सबसे बड़े अपराधी, जो जेल में बैठे हुए हैं, जो देश विदेश में बैठे हुए हैं, उन अपराधियों पर कानून बना करके कड़ी कार्रवाई की जाए।
वहीं जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा भी शहर के दौरे पर निकले। इस दौरान भारी पुलिस जाब्ते के साथ वे नंगली सर्किल पहुंचे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि करनी सेना की मांगे मानी जा चुकी हैं, ऐसे में बैठक के बाद समझाइश कर हड़ताल समाप्त कराई जाएगी। वहीं व्यापारियों ने भी उन्हें पूर्ण समर्थन दिया था, जिसे लेकर पूरा बाजार बंद है। अधिकारियों ने बताया कि कहीं भी उपद्रव हुआ तो पुलिस कार्रवाई करेगी। बंद का कॉल था, हालांकि अब ये मामला रिजॉल्व हो गया है और आंदोलन कॉल ऑफ हो गया है, परंतु यहाँ समाज का था कि चूंकि उन्होंने कॉल दिया और उसको व्यापार संघ और इनके द्वारा समर्थन मिल गया तो बंद है, परंतु हम ने अलग अलग टीमें बनाई हैं और लगातार साथ में रहकर गश्त करके कोशिश है कि शांतिपूर्वक रहे, किसी भी तरह का कोई संघर्ष नहीं हो। और अब लगभग जब बंद हो चुका है तो हम यही है कि ये लोग सब क्लोज हो रहे हैं, जहाँ पर ये अपनी मीटिंग करेंगे होप सर्कस पे और उसके बाद ये डिस्पर्सल होगा। कितना जाप्ता लगाया गया? नहीं, जाप्ता तो बहुत है, 300-400 पुलिसकर्मी है पूरे शहर में जो निगरानी रख रहे हैं। इस तरीके से वो लठ लेके हाथ में चल रहे थे वो तो नहीं, तो हम जहाँ अगर ऐसा दिख रहा है तो हम कार्रवाई कर रहे हैं, लठ वगैरह को जब्त कर रहे हैं। और वहीं कृषि उपज मंडी अलवर के गेट को करनी राजपूत के कार्यकर्ताओं ने बंद कर दिया। काफी देर तक कार्यकर्ता हंगामा करते रहे, बाद में मौके पर पुलिस पहुंची। इसके चलते मंडी का गेट परिसर बंद रहा और अलवर की कृषि उपज मंडी में ज्यादा काम नहीं हुआ। ये हमने सुखदेव दादा को कहना गोली मारी है, उस चक्कर में बंद करवा रहे हैं। ये आक्रोश है, कहना राजपूत क्या सब समाज का आक्रोश है। आज के लिए बंद है अलवर बंद कैसे? अलवर बंद का आदेश कल ही गया, परसों ही दे दिया था। आपके साथ कितने कार्यकर्ता लगे हुए हैं? हमारे कम से कम यहाँ हजारों कार्यकर्ता लगे हुए हैं अलवर के अंदर। उधर अलवर बंद के दौरान शहर के कृषि उपज मंडी में कार्यकर्ताओं ने कई ऐसी दुकानों को बंद कराया जो खुली हुई थी, साथ ही कृषि जिंसों पर रखे हुए तिरपाल को भी हटा दिया। इस दौरान पुलिस ने कई युवाओं के हाथों से डंडे भी छीने। उधर संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि अलवर बंद करने का मुख्य उद्देश्य मांगों को पूरा करना है, न कि किसी को परेशान करना। उधर अलवर बंद का असर दोपहर 2 बजे के बाद भी बरकरार रहा। पूर्व में खरीदारों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन गुरुवार को अलवर बंद के दौरान गलियों में व्यापारी क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। उधर अलवर शहर के 60 फीट रोड पर भी बंद रहा। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना की निंदा करते हुए स्वेच्छा से दुकान बंद कर रहे हैं, साथ ही नई सरकार से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की उम्मीद है। कुल मिलाकर अलवर में बंद का व्यापक असर दिखाई दिया। साहब, ये हादसा ही ऐसा बुरा हादसा है तो होना ही चाहिए, स्वाभाविक बात है। कितनी दुकानें बंद है? 60 पूरा लगभग सारा मार्केट बंद है। आप इस घटना की निंदा करते हैं क्या? बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। आपको लगता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है? बिल्कुल साहब, कांग्रेस की तो शुरू से ही व्यवस्था खराब थी। तो राजस्थान में इस बार गैंगवार देखने को मिले, कई बड़े हत्याकांड हुए हैं इस तरह के, तो आपको लगता है कि कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती है सरकार के लिए? साहब बहुत ज़्यादा खराब है, शुरू से ही खराब है। पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, अन्य हत्याकांड हुआ था, उसके बाद ये हुआ है। राजू ठेठ की भी घर जाके हत्या की हुई थी। हाँ जी, हाँ। तो इस तरह के घर में घुसकर ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं, गैंगवार देखने को मिल रहे हैं। हाँ साहब, ये तो गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा है, हो चुकी है, और ये तो निंदनीय है ये चीज़ें। उधर फल सब्जी मंडी को अलवर बंद के तहत बंद रखा गया। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने फल सब्जी मंडी के दोनों मुख्य गेटों को बंद कर दिया, ऐसे में किसी प्रकार का खरीद बेचने का कार्य नहीं हो पाया। मंडी परिसर में सब्जी की दुकानें बंद दिखाई दी और दुकानदार घूमते हुए नजर आए। दुकानदारों ने बताया कि वे गोगामेड हत्याकांड की निंदा करते हैं। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। करनी सेना के जो अध्यक्ष हैं, करनी सेना के जो सुखदेव सिंह जी गोमेडी, उनकी हत्या के मतलब के नाम चक्कर में हमने मतलब पहले कल तो जयपुर बंद था, हमने बानपुर बंद करवाया है और आज अलवर बंद का आह्वान किया गया था। पहले ही मतलब सभी व्यापारियों को, सभी जो हमारे भाई व्यापारी भाई हैं, सबको हमने कहा था और सबका सहयोग हमारे को मिल रहा है, इसलिए हमने आज अलवर बंद का आह्वान किया था। उससे पहले हमने सबको मतलब ये चीज़ अपील भी कर दी गई थी कल शाम को ही, इसलिए हमने बंद करवाया। हड़ताल कर रही है, क्यों कर रखी है, क्या कारण है? वो गोगा मेडी में कांड हुआ था ना, तो सभी दुकानदारों ने मंडी बंद करता है। स्वेच्छा से किया, जबरन करेंगे? नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए। पूरे दिन बंद रही? हाँ, पूरा दिन ही बंद रही आज तो। अलवर बंद में सही? अलवर बंद, सबका समर्थन, व्यापारी है, ठेली पटरी वाले हैं,
जो भी है। प्रदेश में इस तरह के गैंगवार होने लग गए, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की हत्या हो गई, आपको लगता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है? वो कानून व्यवस्था खराब है, इसी वजह से ये मर्डर हो रहे हैं, ये अपराध हो रहे हैं। और वहीं अलवर शहर का दाऊदपुर क्षेत्र भी पूरी तरह से बंद नजर आया। इस अवसर पर स्थानीय दुकानदारों ने अपनी मर्जी से दुकानों को बंद रखा। स्थानीय लोगों ने बताया कि राजस्थान में कानून व्यवस्था खराब है और इसे दुरुस्त किया जाना चाहिए। प्रदेश में बढ़ते गैंगस्टर कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है। बिल्कुल सही कर रखा है, इंसाफ मिलना चाहिए सुखदेव जी को, गलत हुआ है ये, ऐसे निर्दोष की हत्या करना बिल्कुल सरासर गलत है। कानूनी तौर पे सख्त से सख्त सजा दी जाए मुजरिमों को। अब लगता है राजस्थान में गैंगवार होती रहती है, इस तरह का माहौल बन गया राजस्थान में। बिल्कुल बन गया है, लेकिन इसको सुधारना तो पड़ेगा ना, कानूनी तौर पे सुधारना सुधारा जाए। तो नई सरकार आ गई, आपको उम्मीद है कानून व्यवस्था ठीक होगी? उम्मीद तो पूरी पूरी रखते हैं, जब भी सरकार चेंज होती है तो कुछ ना कुछ नया देखने को मिलने की उम्मीद तो रखते ही है। अच्छे से बंद है अपने आप, कोई किसी ने मार्केट में बंद नहीं कराने की कोशिश करी। अपनी मर्जी से बंद किया है? अपनी मर्जी से बंद करा। कितनी दुकान बंद है दाऊदपुर की? हाँ जी, दाऊदपुर में कितनी दुकान बंद है? सारी बाजार है पूरा बंद है, कम से कम 500 से ऊपर दुकान है, सब बंद है, सब बंद है। वहीं राजपूत समाज और सर्व समाज द्वारा किए गए अलवर बंद को लेकर पुलिस की ओर से करीब 400 जवानों एवं अधिकारियों को लगाया गया। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि अलवर बंद को लेकर शहर में मुख्य बाजारों व अन्य जगहों पर करीब 400 पुलिस कर्मियों का जाब्ता लगाया गया है। वहीं अलवर बंद के दौरान जबरन डंडे लेकर घूमने वाले आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उधर गुरुवार को बंद के दौरान अलवर में प्याज मंडी खुली रही। व्यापारी अभय सैनी ने बताया कि बड़ी संख्या में किसान प्याज लेकर पहुंचे हैं। प्याज का भाव 800 से लेकर 1200 रुपए प्रति 40 किलो रहा। आने वाले समय में भी प्याज महंगी नहीं रहेगी, उन्होंने बताया कि आवक बनी हुई है। 4 कट्टे के लगभग आवक है और प्याज की आज बाजार 800 से लेकर 1300 रुपए 40 किलो की खुली है। मंडी में अराइवल पूरा है, मंडी में बिक्री है। आने वाले समय में बाजारों में बहुत ज्यादा तेजी मंदी नहीं है, 25 से लेकर 35 रुपए किलो के बाजार चलेंगे। और वहीं श्री राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोरगा मेडी की हत्या के विरोध में बुधवार को चक्का जाम के कारण शाम तक बसें नहीं चल पाई थी, लेकिन गुरुवार को अलवर बंद के बावजूद गुरुवार सुबह से ही बसों का संचालन जारी रहा। रोडेज अलवर आगार के मुख्य प्रबंधक पवन कटारा ने बताया कि बुधवार को मिलिट्री हॉस्पिटल के सामने लगे जाम के कारण बसों का शाम तक संचालन नहीं हो पाया था, ऐसे में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर गुरुवार सुबह से ही बस स्टैंड से सभी बसें अपने निर्धारित रूट पर चल रही है। आज बसों के संचालन में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है, बसों का संचालन डेली रूटीन के आधार पर किया जा रहा है। अलवर बंद का प्रभाव अभी हमारी बसों पर नहीं है। सुबह से शेड्यूल के अनुसार, नियम अनुसार, जितना टाइम के हिसाब से अपनी सारी बसों का संचालन किया गया है। गूगल से नंबर लेकर खाली ड्रम खरीदने की डील करना अलवर के एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। उसने जिस नंबर पर बात कर 50 ड्रम लेने की डील की, वह साइबर ठग निकला। पीड़ित से 27,000 रुपए ठग लिए गए। डील पूरी होने के बाद भी ड्रम नहीं आए, जबकि शातिर ने रकम पहले ही ऑनलाइन प्राप्त कर ली। अलवर शहर के एनएबी हाउसिंग बोर्ड निवासी तुषार खंडेलवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें बताया गया कि उसके अनुमान चौराहे के पास दुकान है। तुषार को 200 लीटर वाले खाली ड्रम की जरूरत थी। जब खरीदने के लिए गूगल पर ऐसी फर्म का नंबर ढूंढा तो पता लगा कि कर्नाटक की फर्म है। इसके बाद फर्म के अतुल शर्मा नाम के व्यक्ति से बात हुई। ड्रम की रेट तय होने के बाद राशि एनईएफटी के जरिए डाल दी गई। इसके बावजूद ड्रम की सप्लाई नहीं हुई। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री चयन को लेकर सस्पेंस गुरुवार को भी बना रहा। इसे लेकर अलवर सहित प्रदेश भर में अटकलें लगाई जा रही हैं। उधर नई दिल्ली में भाजपा का चिंतन जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस पर चर्चा कर रहे हैं। गत रात्रि वसुंधरा राजे भी दिल्ली पहुंच गई थी। सीएम के रेस में पहले से चल रहे भाजपा के अनेक प्रदेश नेताओं के अलावा अश्विनी वैष्णव और ओम माथुर के नाम भी शामिल है। बताया जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। दूसरी ओर पूर्व विधायक हेमराज मीणा ने अपने पुत्र और विधायक ललित मीणा को एक वरिष्ठ नेता के इशारे पर बाड़ा बंदी में रखने के आरोप लगाए हैं। हेमराज ने होटल में झालावाड़ और बारा के कुछ विधायकों के भी
ठहरे होने की बात कही। पूर्व विधायक हेमराज मीणा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह के कहने पर विधायकों को होटल में रोका गया है। बताया गया कि जयपुर में मंगलवार देर रात सीकर रोड पर एक होटल में भाजपा के 5 से 6 विधायक ठहरे थे, जिनमें कोटा संभाग के ज्यादातर विधायक शामिल रहे। किशनगंज विधायक ललित मीणा भी इसमें शामिल थे। ललित मीणा को लगा कि उन्हें जबरन बाड़ाबंदी में ले जाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच ललित मीणा ने इसकी शिकायत अपने पिता पूर्व विधायक हेमराज मीणा और पार्टी संगठन को की। इसके बाद संगठन के कुछ नेताओं ने जाकर उन्हें इस होटल से बाहर निकाला। इस घटना के बाद यह चर्चा तेज हो गई कि बीजेपी का एक धड़ा बाड़ेबंदी की तैयारी कर रहा है। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि पार्टी में किसी तरह की कोई बाड़ाबंदी नहीं है, पार्टी का अपना आंतरिक लोकतंत्र है और सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में देव दर्शन और जनता से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं जल्दी विधायक दल की बैठक के साथ आगे के कार्यक्रम तय होंगे। कंपनी बाग के सामने से जिला सैनिक कल्याण कार्यालय की ओर से गुरुवार को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल यश राठौड़ और अन्य कर्मचारियों ने यहां आए रिटायर्ड अधिकारियों, फौजियों और अन्य लोगों को झंडा लगाकर राशि एकत्रित की। कर्नल राठौड़ ने बताया कि प्रतिवर्ष देश भर में 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। वहीं झंडे लगाने से एकत्र राशि का उपयोग युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों और दिव्यांग सैनिकों की मदद एवं कल्याण के लिए किया जाता है। आज 7 दिसंबर को हर साल की तरह झंडा दिवस मनाया जाता है। सशस्त्र सेना का झंडा दिवस मनाया जाता है। ये जितने भी वीर सैनिक शहीद हुए हैं या विकलांग हो गए हैं ऑपरेशंस में अलग अलग, उनकी याद में और उनके सहयोग के लिए मनाया जाता है। इसमें जितना भी पैसा इकट्ठा होता है, डोनेशन इकट्ठा होता है, वो इन्हीं की वेलफेयर के लिए और इनके आश्रितों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें जितना ज़्यादा सहयोग करें लोग उतना बेहतर है। ग्राम गुर्जा में नर्सरी में सड़क पर अतिक्रमण कर दीवार बनाने को लेकर कार्रवाई की गई है। सरपंच सुमन बने सिंह ने पीडब्ल्यूडी, पटवारी, तहसीलदार और एसडीएम को सूचना दी। इसके बाद सभी मौके पर पहुंचे और एसडीएम ने वन विभाग के कर्मचारियों से अनुमति दिखाने के लिए कहा, लेकिन किसी तरह के कागज नहीं होने के कारण एसडीएम ने काम रुकवा दिया है। तहसीलदार और पटवारी ने बताया कि सड़क की जगह 80 फुट की है, लेकिन सिर्फ 30 फुट खाली जगह छोड़ी जा रही है। उधर पीडब्ल्यूडी मालाखेड़ा की जेएन पूजा यादव ने बताया कि वन विभाग अतिक्रमण कर रहा था, लेकिन अब एसडीएम ने काम रुकवा दिया है। वहीं सरपंच सुमन बने सिंह ने बताया कि बिना अनुमति के दीवार बनाने से सड़क संकरी हो जाने की आशंका थी। उन्होंने बताया कि पंचायत में बजट आते ही गांव के आधे रोड का अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। साथ ही स्थानीय निवासी ओम प्रकाश शर्मा के अनुसार सड़क मार्ग छोटा होने के कारण यहाँ बारिश के दिनों में पानी भर जाता है। ये रोड की जमीन है, यहाँ पर ये रोड की ज़मीन में अतिक्रमण करके दीवार बनाई जा रही है और इसके बारे में हम आगे कार्रवाई करेंगे। अगर ये मतलब कि फेस टू फेस तो ये मान नहीं रहे, लेकिन कागजों में हम इसकी कार्रवाई करेंगे। मैडम, ये किसके द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, किस डिपार्टमेंट के करवाया जा रहा है या किसके करवाया जा रहा है? वन विभाग के द्वारा अतिक्रमण करवाया जा रहा है। तो वन विभाग की तो यहाँ पे ऑलरेडी नर्सरी है यहाँ पे पौधारोपण के लिए, तो इसके बारे में क्या कहना है? क्या ये डिपार्टमेंट, क्या आपके डिपार्टमेंट की सहमति नहीं थी या क्या कारण? नहीं, ये तो कोई डिपार्टमेंट की तो कोई बिना सहमति के ही नर्सरी चल रही है और ये नर्सरी भी बोर्ड की जमीन है। तो अब आप क्या कर रहे हो कि क्योंकि यहाँ पे तो निर्माण बहुत तेज गति से चल रहा है, कई करीब सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लेबर लगी हुई है, क्या आपका डिपार्टमेंट कब कार्रवाई करेगा? क्या आज ही हम तुरंत इनको लेटर देके पाबंद करवाएंगे। ग्राम पंचायत में ये मामला है कि ग्राम बुर्जा में जो नर्सरी खोल रखी थी वो क्या है कि पहले तारबंदी कर रखी थी उन्होंने, लेकिन तारबंदी कुछ दूरी पे थी। अब क्या किया कि वन विभाग वालों ने तारबंदी से ही बाहर निकल कर रोड के किनारे पर धूल खोद कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। निर्माण कार्य करने का क्या कारण है कि इनको परमिशन किसने दी है, किसने नहीं दी, किसी ने इनको परमिशन नहीं दी है और बिना परमिशन के और पीडब्ल्यूडी की जगह पर वन विभाग की तरफ से कैसे कार्य स्वीकृत हो गया ये जानकारी में नहीं आ रहा है। गांव वासियों का विरोध होने के कारण इसको रुकवाने के लिए हमने आगे SDM साहब को, तहसीलदार साहब को, PSD JNIN साहब को इन्फॉर्मेशन दी है, उनके बाद वो यहाँ आके मौके पर काम रुकवाया है। SDM साहब क्या निर्देश देते हैं? SDM साहब ये निर्देश दे गए हैं कि काम बंद कर दिया जाए क्योंकि आपके पास कोई परमिशन नहीं। असली तो पीछे वाला ही मकान में रहा है।
इसमें ये जो ज़मीन है जिस पर हम खड़े हैं ये वन विभाग को दे रखी है PWD ने सिर्फ नर्सरी के लिए, ना कि पक्के निर्माण के लिए। लेकिन इस पक्के निर्माण करके लगातार रास्ता को अवरुद्ध किया जा रहा है और रास्ता धीरे धीरे सुकड़ा होता चला जा रहा है। और एक यही मेन रास्ता है जो पिछले 70-80 साल से ज़्यादा, मतलब देश आज़ाद हुआ उससे पहले का ही यही था, इसके बाद बाईपास बना। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से नव निर्वाचित विधायक मांगीलाल मीणा ने कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने बताया कि राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या है, इसके लिए वे विधानसभा में आवाज उठाएंगे। अब केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है, इसलिए तुरंत प्रभाव से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाना चाहिए। मीणा के अनुसार क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के प्रयास भी किए जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का वादा पूरा नहीं किया है। जनता ने चुनाव लड़ा और जनता ने टिकट मांगा था और जनता कोई पार्टी ने टिकट दिया, जनता ही जीती है। राजगढ़ के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, उन जनता की आवाज़ उनसे मिल बैठ के बात करेंगे और जो उनकी समस्याएं होंगी जन कल्याणकारी योजनाओं से लेकर विकास के कार्यों के लिए उनकी आवाज़ बन के विधानसभा में उठाएंगे और हर संभव प्रयास करेंगे उनके समाधान कराने के। माननीय प्रधानमंत्री ने 2 बार अनाउंसमेंट किया, उसका घोषणा किया था जयपुर और अजमेर में ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए। अब उनकी सरकार बन गई है, उन पहलुओं पर विचार करें और कांग्रेस सरकार तो इसके लिए पहले से मांग करती आ रही है, उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाएंगे। 13 जिलों की मांग है, ये अकेली अलवर जिले की मांग नहीं है। सर, राजगढ़ में सबसे बड़ी पेयजल की समस्या है, तो इस योजना का पानी राजगढ़ आया, अलवर आया, इसके लिए पुरजोर लगाएंगे? पुरजोर लगाएंगे, निश्चित रूप से लगाएंगे और लाके रहेंगे, विशेष प्रयास करेंगे। आप देख लीजिए अलवर में जो टोटल ओवरऑल वोटिंग मिला है तो लाखों वोट ज़्यादा मिले हैं कांग्रेस के कैंडिडेट्स को, और इससे अपने आप स्वतः स्पष्ट हो जाता है इस बार कांग्रेस का यहाँ से सांसद जीत के जाएगा अलवर। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि अलवर जिले में पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, 11 में से 6 सीट कांग्रेस ने जीती है और तिजारा और अलवर शहर में भी मार्जिन बहुत कम रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर होने का दुख तो है, लेकिन करीब 20 सीटों पर सिर्फ 1000 के करीब मतों से हार हुई है। वहीं अब लोकसभा चुनाव पर फोकस रहेगा। जिला अध्यक्ष मिश्रा के अनुसार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताया जाएगा। देश में हमारी हार हुई है, 6 सीट तो हम स्पष्ट बहुमत से जीते हैं, उसके अलावा कठुमर सीट भी मात्र बेईमानी से 400 वोटों से हमें हराई गई है, तो उसको मैं हार नहीं मानता। और अलवर शहर में और तिजारा में भी मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं रहा, कहीं ना कहीं हमारी कोई कमी रही है, उन कमियों पर मंथन करेंगे, बैठ के चर्चा करेंगे क्यों ऐसा हुआ और आगे चुनाव में उन्हें सुधार करेंगे। फिर भी राजस्थान का रिजल्ट को हम देखें तो अलवर जिले में कांग्रेस की परफॉर्मेंस BJP से अच्छी रही है और पार्लियामेंट चुनाव में आगे भी अलवर से हमारे सांसद भंवर साहब को जिता करके हम पार्लियामेंट में भेजेंगे। कांग्रेस को लोगों ने खूब वोट दिया है, 39.5% वोट कांग्रेस को मिला और 41.5% BJP को मिला है, मात्र 2.25% का फर्क है। और इसमें अगर कुछ टिकट और 20-30 बदल जाते हैं इसके अलावा तो हमारा राज स्पष्ट रूप से बनेगा। फिर 20 सीट तो ऐसे हम 1000 वोटों के से भी कम मार्जिन से आ रहे हैं, वहाँ थोड़ी कैंडिडेट प्रत्याशी मेहनत कर ले तो उनको हम जीत सकते थे। ये चुनाव है, सहज प्रक्रिया है, अब जनता ने जो जनादेश दे दिया, जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है, उसको हम हाथ जोड़कर स्वीकार करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। गुजरात में ट्रक पर काम कर रहे अलवर निवासी खलासी के ट्रक से गिरकर जान चली गई। कटोरी वाला क्षेत्र के सरपंच हर्षरथ खान ने बताया कि रफीक खान खलासी का काम कर रहा था, तभी वह ट्रक से नीचे आ गिरा और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अलवर में कुछ दिन युवक का इलाज चला और उसके बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। युवक का इलाज जयपुर में 7 महीने चला, लेकिन अब उसकी तबीयत बिगड़ गई। गुरुवार को रफीक ने दम तोड़ दिया। मृतक के 4 बच्चे हैं। हाजी अलादीन का वास पड़ता है कटोरी वाला तिवारा, तो मृत्यु का जो तकरीबन ये 5-6 महीना पहले ये खलासी था गाड़ी का, बड़ी गाड़ी का, वहाँ पे रस्से त्रिपाल वगैरह कुछ ऐसा कर रहे थे जिसके गिर जाने से, अपनी खुद की गाड़ी थी, गिर जाने से इसके निचला हिस्सा जो होता है शरीर का, रीढ़ की हड्डी, वो टूट गई। इसको यहाँ से परिजन गए, वहाँ से लेके आए अलवर अपने जयपुर SMS हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया। ऑपरेशन हुआ, तकरीबन 1.5 महीना तकरीबन वहाँ पे हॉस्पिटल ही रहा। उसके बाद में
वहाँ से छुट्टी कर दी, इसको घर पे ले आए। घर पे लाने के बाद में जरिया इलाज इसका चलता रहा रेगुलर कंटिन्यू, कभी जयपुर कभी अलवर से कभी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाना इस तरह से। तो यहाँ से डॉक्टर भी जाते थे गांव देखने के लिए, जो कल भी इसको दिखा के ले गए थे आपने अलवर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इसमें हरीश हॉस्पिटल में दिखाते इसको कल। दिखाने के बाद में आज इसकी सुबह तकरीबन 12 बजे करीब डेथ हो गई। जिला अभिभाषक संघ के चुनाव शुक्रवार को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक कराए जाएंगे। अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की गई है। इसमें 23 वकील विभिन्न पदों के लिए चुनाव मैदान में हैं। इनमें अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशियों अनिल वशिष्ठ और राकेश शर्मा ने नामांकन भरा है। उपाध्यक्ष के लिए नवल शर्मा, मोहित कोशी, राम लखन बैसला और विक्रम सिंह शेखावत, सचिव के लिए अजय यादव मैदान में हैं। कई अन्य पदों और 5 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। एडवोकेट योगेश यादव ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। 8 दिसंबर 2023 को बार समस्त पूरे राजस्थान में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक पूरे राजस्थान में चुनाव होंगे, जो कि हमें सभी अधिवक्ता जहाँ भी हमारी बार है वहाँ सब जगह चुनाव होंगे। चुनाव सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 तक डलेंगे और अलवर में 5 बजे से काउंटिंग चालू हो जाएगी। और ये हमारा एक उत्सव है जो कि सभी अधिवक्ता बनाते हैं हम लोग। और एक बात ये भी है कि जो अब ये 8 दिसंबर हर साल अब हमारा एक दिन फिक्स हो गया है, इसे हम अधिवक्ता दिवस भी मना सकते हैं और हम सब लोगों के लिए बहुत उत्साह का दिन है। समाचार में वक्त चला, एक छोर से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च जिससे बनता है जी प्योर का लाल मिर्च पाउडर और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जी प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जी प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जी प्योर जो हर रसोई का है पहला प्यार। जी प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। बाबा कैटरर्स लाए हैं बेहतरीन कैटरिंग सेवाएं। देश विदेश में बाबा ठाकरदास स्वीट्स के जरिए परचम लहराने के बाद आपके लिए अब हाजिर है कैटरिंग सर्विस। इसमें डायमंड, गोल्ड और सिल्वर मेन्यू के जरिए आप पा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार शानदार व्यंजन। फिर चाहे वह वेलकम ड्रिंक हो, कॉफी बार, शेक, मॉकटेल और जूस, स्नैक्स काउंटर, सूप और चाट काउंटर, फ्रूट्स पार्लर, साउथ इंडियन पिज्जा पास्ता काउंटर, चाइनीज बफे, पंजाबी तड़का, डेजर्ट में बाबा ठाकरदास स्वीट्स की मिठाइयों सहित आइसक्रीम पार्लर, साथ में है मेन कोर्स के तहत कई स्वादिष्ट व्यंजन, वहीं फेरों की सर्विस, हल्दी मेहंदी प्रोग्राम और संगीत डिनर सहित शानदार बनाए हर अवसर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपका अपना बाबा कैटरर्स। सखी महिला दुग्ध उत्पादन संस्था ने अपनी अलग पहचान बनाई है। यह अलवर जिले में महिलाओं के स्वामित्व वाली अपनी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2016 में 10 महिला सदस्यों के साथ हुई थी। वर्तमान में यह संस्था 900 गांवों में 40,000 महिला सदस्यों को जोड़कर लगभग 2,00,000 लीटर दुग्ध का उत्पादन करने के साथ ही सदस्यों को लाभान्वित कर रही है। इसके साथ ही अलवर शहर में मिल्क वेंडिंग मशीन के जरिए करीब 3,500 लोगों को लगभग 10,000 लीटर दूध उनके घरों पर सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही हर माह बाजार में करीब 35 MT घी भी सप्लाई हो रहा है। पिछली बार दीपावली पर लगभग 40 MT रसगुल्लों की सप्लाई हुई थी। इस बार संस्था ने 60 MT रसगुल्लों और 20 MT गुलाब जामुन सप्लाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। राजकीय मिडिल स्कूल नंगली झामावत में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को निशुल्क यूनिफॉर्म का वितरण किया गया। गत वर्ष यूनिफॉर्म के पैकेट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोटो लगी हुई थी, लेकिन अब इस पैकेट से विभाग ने अशोक गहलोत की फोटो हटा दी है। प्रधानाध्यापक महावीर सिंह चौधरी, अध्यापक प्रेमचंद जाट एवं समस्त स्टाफ ने 160 बच्चों को यूनिफॉर्म प्रदान की। सरिस्का बाग परियोजना देश विदेश में बागों के लिए अपनी अलग अलग पहचान रखती है। सरिस्का में नववर्ष पर पर्यटकों की सुविधा के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है। नए साल पर यहां सैलानियों का जमावड़ा लगने वाला है, इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग होना प्रारंभ हो गया है। साथ ही इन दिनों बागों की साइटिंग पर्यटकों को आसानी से हो रही है। डीएफओ डीपी जगावत ने बताया कि सरिस्का में वीकेंड के दौरान पर्यटक आते हैं, वहीं नववर्ष को लेकर ऑनलाइन बुकिंग की जाती है। पर्यटकों के भ्रमण के लिए 20 जिप्सियां और 15 कैंटा यहां मौजूद हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान चूँकि दिल्ली अपनी कैपिटल है, उसके नज़दीक है, इस वजह से यहाँ पर टूरिस्ट हैं, उनका जो आवक है वो बहुत ज़्यादा रहती है। और स्पेशली जो वीकेंड है, इसके अलावा जो लंबे वीकेंड होते हैं, जैसे कभी क्रिसमस हो गया, दीपावली हो गई, और ऐसे नया साल हो गया, नववर्ष है, तो ऐसे जो दिन होते हैं उनमें टूरिस्ट अधिक आते हैं। और पिछले 2 साल से जब कोविड के बाद में सरिस्का में निश्चित रूप से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि ही हुई है। सर, नववर्ष आने वाला है तो किस तरह तैयार रहेगी सर पर्यटकों के लिए? पर्यटकों के लिए मुख्य बात तो यह है कि ज़्यादातर वैसे तो जो बुकिंग होती है ऑनलाइन होती है, इसके अलावा जो ऑनलाइन बुकिंग से शेष रह जाती सीटें हैं तो हम ऑफलाइन या बुकिंग करते हैं। तो ये देखा गया है कि नववर्ष के आसपास सभी फुल बुकिंग हो जाती है, जो भी कैंटर हो या जिप्सीज हो उनकी कंप्लीट बुकिंग हो जाती है। उस दृष्टि से हम उनका मैनेजमेंट भी देखते हैं, इसके अलावा उनको जो सुविधाएं हैं, जो बेसिक सुविधाएं हैं, उनका भी हम ध्यान रखते हैं। सर, कितनी कैंट्रा, कितनी जिप्सी रहेगी? अभी टोटल 35 हैं, जिसमें हमारे 20 जिप्सी हैं और 15 कैंट्रा। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बन्नाराम मीणा ने राजगढ़ के तुषार गार्डन में कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त समारोह आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने बूथवार अपनी हार की समीक्षा भी की, साथ ही कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि क्षेत्र में विपक्ष की भूमिका बेहतर तरीके से निभाई जाएगी। इसके अलावा पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता का अपमान नहीं होने दिया जाएगा। इस अवसर पर खेम सिंह आर्य, वीरेंद्र दाधीच, डॉक्टर नीरज शर्मा, पद्मा गोयल, देवकर्ण मीणा, प्रदीप शर्मा और एडवोकेट राहुल दीक्षित आदि मौजूद रहे। माचाड़ी कस्बा स्थित जय माँ कैला विजासन और ज्वाला माता मंदिर पर सैनी समाज की ओर से अन्नकूट का आयोजन हुआ। इस मौके पर राम स्वरूप सैनी, नारायण सैनी, संतु सैनी, विजेंद्र, मोती सैनी, नेत्राम और महेंद्र सैनी आदि उपस्थित रहे। आरंभ में पूजा अर्चना कर माता को भोग लगाया गया, इसके बाद प्रसाद वितरण हुआ। मालाखेड़ा प्रखंड के ग्राम बालेटा स्थित हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ किया गया। इस मौके पर हनुमान मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया था। बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड प्रचार रोहित शर्मा ने बताया कि मालाखेड़ा क्षेत्र में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मंदिरों में मंगलवार और शनिवार को ये आयोजन होते हैं। इस मौके पर सत्संग टोली प्रमुख मुकुट बिहारी, मनोज शुक्ला, कृष्णा रामोतार, नवीन शुक्ला और संत बंटू महाराज आदि मौजूद रहे। काल भैरव अष्टमी को लेकर मंदिर में यह धार्मिक अनुष्ठान किया गया। Yeah.
राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी की पार्थिव देह पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अलवर सहित मालेकड़ा क्षेत्र से लोग जयपुर पहुंचे। इनमें बड़ी संख्या में राजपूत समाज और सर्व समाज के प्रतिनिधि शामिल थे। गौरतलब है कि जयपुर के श्याम नगर में मंगलवार को शूटरों ने सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी के घर में घुसकर हत्या कर दी थी। उनकी पार्थिव देह राजपूत सभा भवन जयपुर में दर्शन के लिए रखी गई। वहीं मालेकड़ा क्षेत्र के राजपूत समाज की ओर से 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी के पार्थिव शरीर को राजपूत सभा भवन ले जाया गया, जहां पर राजपूत समाज के साथ साथ कर्णी सेना व सर्व समाज के लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। बड़ी अनुशासित तरीके से गमगीन माहौल में सभी के हृदय से अनुकरणीय विनय करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद में उनकी पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव गोगा मेड़ी के लिए श्रद्धा के साथ रवाना किया गया। इसको लेकर अलवर जिले सहित मालेखड़ा उपखंड क्षेत्र के सैकड़ों क्षत्रिय राजपूत धर्म को अंगीकार कर रक्षा करने वाले युवक और बुजुर्ग लोग इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। मैं उदय सिंह, एटीएल न्यूज। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सर्दी जनित रोगों के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहां जुकाम और खांसी के मरीज बड़ी संख्या में आ रहे हैं। वहीं चीन के वायरस को लेकर भी सतर्कता बढ़ती जा रही है। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 2 दर्जन से भी अधिक गांव जुड़ते हैं। डॉक्टर गौरव अग्रवाल का कहना है कि सर्दी अब जोर पकड़ रही है, ऐसे में लोगों को सर्दी से बचने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। खांसी जुकाम के मरीज बहुत ही ज्यादा संख्या में आ रहे हैं और हमारे द्वारा उनको उचित ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और हमारे द्वारा उनको सलाह दी जा रही है भाई कंबल उड़ के रहें रात में और गर्म कपड़े पहने और जहां तक संभव हो सके सर्दी से बच के रहें। और जो भी मरीज हमारे पास आ रहे हैं हमारे द्वारा उनको मेडिसिन दी जा रही है खांसी जुकाम के जो भी मरीज हैं और उनका अगर कोई बुखार का ही मरीज आता है तो उसका सैंपल लिया जा रहा है। और बाकी चीनी वायरस का अभी कोई केस तो यहाँ पर नहीं है, बाकी अगर ऐसा कोई केस आता है तो हमारी तरफ से पूरी तैयारियां हैं, तो अगर कोई केस आता है तो हमारी तरफ से उचित उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा मरीज को। बाकी अभी तो ऐसा कोई केस यहां पे आया नहीं है चीनी वायरस का। अकबरपुर ग्राम पंचायत भवन पर गुरुवार को मनरेगा में कार्य करने के लिए आवेदन लिए गए। ऐसे में मनरेगा मजदूर पंचायत भवन पर पहुंचे। खेड़का और अकबरपुर ग्राम पंचायत में हो रहे मनरेगा के तहत कार्य करने के लिए आवेदन किए गए हैं। अकबरपुर ग्राम पंचायत में इन दिनों मनरेगा के तहत काली खोल गोपालपुरा नाले पर कार्य चल रहा है। वहीं खेड़का ग्राम पंचायत में धावाला गांव क्षेत्र में एनीकट का कार्य करवाया जा रहा है। यहां मौजूद कार्मिक धर्मपाल मीणा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। गुरुवार को 6 नंबर भर जाते हैं और सभी को काम दिया जाता है, जो काम के लिए आवेदन करते हैं उनको सभी को काम दिया जाता है। कौन सी जगह काम चल रहा है? ये हमारे धावाला में एनीकट का काम चल रहा है श्री बाबा के पास। राजगढ़ कस्बे की आसन की डूंगरी स्थित श्री खाकनाथ महाराज मंदिर पर 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ एवं भागवत कथा जारी है। विश्व शांति एवं मानव कल्याण के लिए हो रहे इस आयोजन में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। विराटनगर के यज्ञाचार्य पंडित कृष्ण कुमार शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां दिलवाई। वहीं भागवत कथा में सकट गांव के कथावाचक पंडित राधा माधव शास्त्री ने पूतना उद्धार भगवान श्री कृष्ण का बाल लीलाओं और माखन चोरी की लीलाओं का वर्णन किया, साथ ही गोवर्धन पूजा की कथा का प्रसंग सुनाया। कथा के दौरान भजनों पर महिला श्रद्धालुओं ने नृत्य करने के अलावा हरे राम हरे कृष्ण नाम का संकीर्तन किया। उधर यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष पूर्व सरपंच नरसिंहराम मीणा और उपाध्यक्ष मोतीलाल गुर्जर ने बताया कि महायज्ञ एवं कथा का समापन 10 दिसंबर को पूर्ण आहुति एवं भंडारे के साथ होगा। इस मौके पर महंत देवदास महाराज, जग्गूदास महाराज, सरपंच मालती देवी सैनी सहित मुख्य यजमान हरिकृष्ण मीणा, लटू राम सैनी आदि उपस्थित रहे। माँ यशोदा के द्वार शिकायत करने के लिए जाती और गोपिकाएं आपस में बतियाने लगी कि बहन हमारे भी आए, क्या तुम्हारे नहीं आए? बोले बहन सबके आए, लेकिन अभिमानी थी वो प्रभावती गोपी, भगवान नहीं जा रहे अभी, कि जब तक इसका अभिमान दूर नहीं होगा तब तक मैं इसके यहाँ माखन खाने नहीं जाऊंगा। सुखदेव जी कहते राजन ये माखन तो एक बहाना है, अरे भला जिसके 9 लाख गैया हैं, जिसके माखन दूध दही सब होता है, वो क्यों किसी का माखन खाएंगे, क्यों चुराएंगे? भगवान ने केवल केवल गोपियों का चित्त चुराया। सब वेदों की मंत्र ऋचाएं हैं, सब ऋषि हैं, ये साधारण कोई गोपी का नहीं है।
अब ये तो बुद्धि की कमी है, जो लोग भगवान के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, भगवान की कथाओं के ऊपर उंगली उठाते हैं कि भगवान ने माखन चुराया, वैसा किया। बड़ौदा में कस्बा बंद कर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कस्बे के पंजाब नेशनल बैंक के पास व्यापारी राजपूत समाज के युवाओं और सर्व समाज द्वारा सुबह 10 बजे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मनोज कुमार ने बताया कि इस दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस अवसर पर सरपंच गजेंद्र सिंह, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रूपचंद गोविंदगढ़, प्रधान प्रतिनिधि गोपाल चौधरी, गोपाल सिंह, मुकेश मिश्रा, खुशवीर सिंह, मनोज जैन और राम स्वरूप आदि मौजूद रहे। कर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगा मेडी की निर्मम हत्या के विरोध में आज कस्बा बड़ौदा में सर्व समाज के द्वारा बंद किया गया। विभिन्न वक्ताओं ने अपने वक्तव्य दिए और 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। और वहीं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के विरोध में लक्ष्मणगढ़ में सर्व समाज द्वारा गुरुवार को दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन किया गया। यहां मौजूद तूफान सिंह, नरपत सिंह राजपूत और विक्रम सिंह ने बताया कि करणी सेना एवं राजपूत सेना की अपील पर बाजार पूरी तरह से बंद रही। राजपूत समाज के लोग कस्बे के भगत सिंह चौराहे पर एकत्रित हुए और धरना दिया। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व सरपंच बलराज मीणा, तेज सिंह राठौड़, विक्रम सिंह, तूफान सिंह, सौरभ साहू, भरत पटेल, मनु सिंह आदि मौजूद रहे। संपूर्ण कस्बा बंद है, जिसका व्यापारियों संगठन ने सभी ने सहयोग किया है, उसके लिए राजपूत समाज आभार व्यक्त करता है। और जिस प्रकार दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी की निर्मम हत्या की गई है, उसके खिलाफ दोषियों की सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग चाहता है और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालने की मांग चाहता है और आगे ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए सर्व समाज, राजपूत समाज नहीं बल्कि सर्व समाज कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग चाहता है। उधर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में करणी सेना ने सर्व समाज के आह्वान पर शुक्रवार को खैरतल बंद रखने का निर्णय लिया है। कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को नई अनाज मंडी में बैठक के साथ ही जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका को ज्ञापन भी सौंपा। उधर संयुक्त व्यापार महासंघ ने दोपहर 2 बजे तक सभी प्रतिष्ठान बंद रखने का फैसला लिया है। नई अनाज मंडी के पार्क में व्यापार समिति के अध्यक्ष अशोक डाटा ने यह जानकारी दी। वहीं करणी सेना की ओर से स्थानीय अध्यक्ष विनोद सिंह सहित मोहन सिंह, जितेंद्र सिंह, नीरज सिंह तंवर, विक्की चौहान आदि मौजूद रहे। ये हमारे राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के हमारे आदरणीय दादा सुखदेव सिंह थे, उनकी निर्मम हत्या हुई है, उसके विरोध प्रदर्शन करने के तर्ज में हम खैरतल बंद का आह्वान कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से परसों श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो हत्या की गई है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और हमारी प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्दी उनके हत्यारों को गिरफ्तार की जाए और उनको फांसी की कार्रवाई तक की ऐसी हमारी मंशा उनको दी जाए। और इसके विरोध में कल सर्व समाज, जिसमें अनाज मंडी खैरतल तरफ से भी हमने कल प्रतिष्ठान बंद करने का निर्णय किया है और हमारे सारे व्यापार कल बंद रहेंगे और हमारा पूरा समर्थन है कल मंडी बंद रहे और सब शांतिपूर्वक अपने इसका विरोध प्रदर्शन करें। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की ये हेडलाइंस पर। सुखदेव गोगामेडी हत्या प्रकरण में अलवर रहा बंद, वहीं कृषि मंडी में डंडे लेकर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने फेंके तिरपाल, पुलिस ने हटाया। अलवर बंद के चलते रहे कड़े सुरक्षा इंतजाम, कलेक्टर और एसपी ने लिया जायजा। साइबर ठगों ने खाली ड्रम बेचने के नाम पर ऐंठी हजारों की रकम, एनईबी के परिवादी ने 10 करवाई रिपोर्ट। और प्रदेश के सीएम को लेकर कायम रहा सस्पेंस, वहीं भाजपा के कुछ विधायकों की बाड़ेबंदी को लेकर रही चर्चाएं। समाचार में आज के लिए बस इतना ही। डीजे पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत और देखते रहिए जिले के एकमात्र विश्वसनीय न्यूज चैनल एटीएल न्यूज अलवर। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।